नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। उम्मीद क्या है? हार को जीत में बदलने वाला एक मौका या फिर खुद पर बनाया गया विश्वास का एक जरिया। कहते हैं जो लोग सपने देखते हैं वो उम्मीद लगाना कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए जब उम्मीद पूरी होती है तो सपने भी साकार हो जाते हैं। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे LIC के कुछ सफल एजेंट्स की कहानी, जिनसे आपको भी मिल सकती है प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 18 साल के हैं और 12वीं पास की हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ और कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में आज हम पहुंचे हैं इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है। कहावत है, हिंदुस्तान का दिल देखो यानी कि MP को देखो, और MP का दिल यानी इंदौर। कहते हैं ना, यहाँ के लोगों की ईमानदारी की मिसालें पेश की जाती हैं, और इसी मिसाल का एक रूप है हमारे आज के LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाबचंदानी। जुनून, मेहनत, इच्छा शक्ति और काम को अंजाम तक ले जाने की कोशिश किसी के भी व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। ऐसे ही मजबूत व्यक्तित्व की मिसाल हैं अशोक गुलाबचंदानी। आपने गुजरात के कॉलेज से स्नातक करने के बाद कपड़े की दुकान में नौकरी की। साल 2005 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत गिरीश कुमार शुक्ला से हुई, जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने की सलाह दी। आपने ज्यादा वक्त नहीं लिया और साल 2005 में ही LIC के साथ जुड़ गए। इस एक फैसले ने आपकी जिंदगी बदल दी और आप कामयाब होते गए। तो ये कहानी है जिसे जिया LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाबचंदानी ने। इन्होंने इस कहावत को साकार किया कि जीवन एक कोशिश का नाम है। कैसे इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो शुरुआत करी थी वो एक रेडीमेड स्टोर में नौकरी करके करी थी, जहाँ आपको 500 रुपये मिलते थे। उसके बाद आपने सोचा एक बिजनेस करना है, बिजनेस भी नहीं चल पाया, फिर आप जुड़ गए LIC के साथ। तो ये सफ़र कैसा रहा और क्या सोचकर आप LIC के साथ जुड़े? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में सर्विस थी उनकी, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप सर्विस करिए, उन्होंने कहा हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाइए। पर एक मन से ही अपने अंदर से एक बात निकलती थी कि अपना खर्चा कम से कम हम खुद निकालें, फादर से भी पॉकेट मनी नहीं ले। तो इसी दरमियान मैंने जब सर्विस की तो 500 रुपीज़ पर मंथ मेरे को मिलते थे, और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ पे काम करना पड़ता था। मैंने फादर से कहा कि मेरे को अपना बिजनेस करना है। बिजनेस से इतना जब मेरे पास इनकम नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो उसके उस दरमियान एक मेरे मित्र ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में डाला, वहाँ से भी मुझे जो है पे नहीं मिला। फादर को भी मेरे ऊपर शक हुआ कि आप जो है ये इतना पैसा आपने कमा लिया है पर हमको नहीं बता रहे हो आप, तो उनसे थोड़ी ऐसी बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिज़नेस भी आपका छोड़ रहा हूँ और घर भी छोड़ रहा हूँ। किराए के मकान में रहने के दौरान भी मेरे ऊपर जो कर्जा था उसका कर्जा चुकाने के लिए भी मेरे पास पेमेंट नहीं था। एक दिन गिरीश जी से बात हुई, गिरीश जी मेरे पास ऑफिस में आए थे कि आपको LIC एजेंट बनना है, मैंने मना कर दिया। बट फिर जब मैंने LIC का काम शुरू किया तो उसमें मैंने मन लगा के काम किया। आपकी जो कहानी है उसके हर मोड़ पर संघर्ष दिखता है, ऐसे में आपको गिरीश जी का साथ मिला, तो गिरीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गिरीश जी से जब मेरा साथ हुआ तब स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो भी है ये तो अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, या अपना इनका खुद का इसमें हित होगा। इनकी एक ही बात मेरे को याद आती है, इन्होंने एक ही बात बोली थी कि आप 1,00,000 रुपये महीना कमाओगे, जो उस समय विश्वास नहीं लगता था, बट आज मैं जो कमा रहा हूँ तो ये सब इनकी बदौलत है। शुरुआत में तो काफ़ी कठिन रहा होगा LIC की पॉलिसीज करना, तो ऐसे में आपने क्या किया? उसके लिए प्रॉपर चैनल से काम करना पड़ा। पहले मैंने लिस्ट पर प्रिपेयर की कि मेरे जो रिलेशन में कौन कौन लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से लोग, बट जब मैं फील्ड में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं 10 लोगों को समझा रहा हूँ, उसमें से एक आदमी तैयार हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ अपना रॉ मटेरियल बढ़ाता गया। गिरीश जी ने आपका पूरा साथ दिया, आपको LIC से जोड़ा, तो LIC के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसने आपके जीवन को एक कामयाबी की सीढ़ी पर ला के खड़ा कर दिया? एक माँ है जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी माँ है मेरी LIC, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी जब नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज मुझे जीरो से लेके हीरो बनाने वाली LIC है, और मेरे पास आज सब कुछ है तो बिकॉज ऑफ LIC के कारण। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे?
जो भी मिलने वाले हैं, जो मेरे हितैषी हैं, जिन्होंने आज तक मुझे इतना इस मुकाम पे पहुंचाया है, मेरा पूरा जो सफलता का श्रेय उनके ऊपर ही जाता है। तो अशोक जी, आप मानते हैं कि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए प्रोफेशन सही है? आज मैं अपने युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि वो LIC के लिए कर सकते हैं काम, और LIC में मतलब कोई लिमिट नहीं है जी। कोई लिमिट नहीं है, आपके हाथ में ब्लैंक चेक है, आप जितना भरना चाहो भर सकते हो, सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपका अपना कोई सक्सेस मंत्र? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो हर कायनात उसका साथ देती है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाबचंदानी से, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने काम को अपनी माँ माना और सफलता को हासिल किया। इनकी सफलता में एक पहलू है जो इनके मेंटर कम सलाहकार हैं। आइए करते हैं मुलाकात उन्हीं से। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत गिरीश कुमार शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। गिरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अशोक जी के सफर में आपका कितना रोल रहा? अशोक जी की बात करें तो मैंने बहुत समय मार्केटिंग में देखा, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन किसी व्यक्ति के अंदर होना, वो अपने आप में एक सफलता की तरफ ले जाता है। और वो उसके अंदर वो जुनून और पागलपन जो है, जीत की जिद जो है, वो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है? इसमें वही रिश्ता है जैसे एक शिक्षक का अपने शिष्य के बीच में होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने जो शिष्य हैं उनके लिए सपने देखता है कि मेरा जो शिष्य है वो हमेशा दुनिया में अपनी ऊँचाइयों को बना के रखे। जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी अशोक जी से, तो आपको कैसे लगा कि ये LIC एजेंट बनने के लिए एकदम ठीक है? उनके अंदर की जो आग जो है वो अंदर दबी हुई है, बस मुझे ये चाहिए था कि वो आग बाहर निकल आए, क्योंकि जैसे ही उनकी आग बाहर आएगी तो निश्चित है वो अपना नाम जो है दुनिया में फैलाएंगे, और वही मैंने पाया। तो आपके अनुसार LIC एजेंट बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? निश्चित है जुनून और पागलपन और जिद, जीत की जिद। LIC के साथ आपका काफी लंबा जुड़ाव रहा है, तो ऐसे में आप LIC के बारे में क्या कहेंगे, कितना बदलाव आपने अभी तक देखा है उसके साथ? LIC में मैंने वो समय देखा जब यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन नहीं था, पॉलिसियाँ हाथ से कंप्लीट होती थी, प्रपोजल्स हाथ से होते थे, पॉलिसी नंबर जो होते हैं जो आज कंप्यूटर से होते हैं वो नहीं होते थे। बहुत बड़ा बदलाव, दुनिया में शायद कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी होगी जो इतने बड़े बदलाव को उन्होंने LIC ने जो है तुरंत अपनाया है, और आज इसीलिए शायद दुनिया में LIC का डंका बजता है। जो युवा पीढ़ी है जो इस करियर में आना चाहती है, उसके लिए कोई सलाह, कोई मशवरा? युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही सलाह है, मेरी एक ही सलाह है कि अगर मार्केटिंग में जरा सा भी उसको इंटरेस्ट है तो उसको तुरंत LIC से जुड़ना चाहिए, क्योंकि LIC एजेंट के रूप में उसके अंदर कंप्लीट मैन जो है वो एक डेवलप होता है। तो आप कोई सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे आने वाले एजेंट्स के लिए? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, उसको ख़त्म करते हुए अपना 100% अपना जो है उसमें लगा दें, 100% सफलता मिलेगी। LIC के साथ आप कोई बस जुड़ जाएंगे तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जी, गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने मुलाकात करी गिरीश कुमार शुक्ला, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, और साथ ही हमने मुलाकात करी LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाबचंदानी जी से। इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा। अगर आप भी बनना चाहते हैं LIC एजेंट, तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा नज़दीकी ब्रांच में और वहां मिलना होगा डेवलपमेंट ऑफिसर से। वो आपको सलाह देंगे कि किस तरह से आप बन सकते हैं LIC एजेंट।